आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर गोराडी पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का क्या खुलासा, एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें कि भागलपुर गोराडी पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गुप्त सूचना पर गोराडी पुलिस ने सादे लिबास में छापेमारी कर मामले का उद्भेदन किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 बैरल, 4 मैगनीज, 1 ड्रिल मशीन, आरी समेत हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किया है। साथ ही साथ मुंगेर के मुफलिस थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वर्धय निवासी मोहम्मद फखरुद्दीन के बेटे मोहम्मद महफूज, मोहम्मद मुर्सी के बेटे मोहम्मद सरफराज व मोहम्मद मुश्ताक के बेटे मोहम्मद खुशनयाज को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि ये सभी गोराडी के डहरपुर के मोहम्मद मुन्ना के खेत पर हथियार बनाने का काम करता था। तीनों पूर्व में भी आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुका है। वहीं एसएसपी बाबू राम ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ ही महीने पहले ये जेल से छूटकर आए हैं। वहीं होली वो सबे व्रात है, अगर ये लोग हथियार बनाने में सफल हो जाते तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसमें 3 अर्धनिर्मित पिस्टल हैं, उसके बैरल हैं, इसके अलावा और पार्ट्स हैं और काफ़ी सारा जो है पार्ट पुर्जा है। जो टीम में शामिल है क्या उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा? SHO नए बैच के जो सब इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार और इनकी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा क्राइम मीटिंग के दिन। ये अंतर्राज्यीय गिरोह तो नहीं है सर? अभी तो पूछताछ की जानी बाकी है, जाँच की जानी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण करके यहाँ पर सप्लाई करते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको समय रहते पुलिस ने अच्छा काम करते हुए टाल दिया। कितनी बड़ी सफलता है सर? काफ़ी बड़ी सफलता है, खासकर अभी जब होली और शब बारात का त्यौहार सिर पर है एकदम, तो ऐसे टाइम पर जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, हथियारों की तलाश में रहते हैं और इस तरह का खतरनाक हथियार जो पिस्टल जैसा हथियार मिलने पर किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इनको क्या फ़ायदा होता है सर, बनाते हैं क्या मिलता है? उसमें इन्होंने बताया है कि एक पिस्टल पर इनको 9000 रुपये की मजदूरी मिलती है, इसमें 3 लोग हैं तो तीनों को 3,000 रुपये का ये लोग बंटवारा आपस में कर लेते हैं। कितना समय लगता है इसके निर्माण में? इनका बताना है कि इनको क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहता है और महीना में ये लोग 15,000-20,000 रुपये एक आदमी कमा लेता है इस मजदूरी से। भागलपुर से संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।